पंजाब च कड़ाके की ठंड पै रही है ते इस ठंड दे विच ए महिला अपने चार साल के मासूम बच्चे दे नाल दुकान के बाहर खुले आसमान के हेठां बैठी है। इस दे पिछे एक बैनर भी लग्या है जिस च लिखा होया है कि पति तो परेशान माँ ते बच्चे भुख हड़ताल से बैठे ने। महिला ने अपने पति ते जुल्म करन दे इल्जाम लाए ने। जो मैं कह रही हूँ मेरा बिजनेस दे दे तो वह भी नहीं देता। मेरा घर जिथे मैं रह रही थी इस टाइम वह घर उत्ते लोन से 60 लाख रुपया इन्हें घर किस्तां भरानियां बंद करती हैं। वह प्लज करने वास्ते घरे बैंक वाले आ गए है, नोटिस लगा गए, मेरे सिर तो छत चक्केगी, मेरा छोटा जिहा बच्चा है। इस महिला ते उसके पति का यह दूजा विआह है। महिला का कहना है कि वह अपनी पहली पत्नी के नाल रह रहा है, अजिहा करके उसने उसका विश्वास तोड़िया है, जिस तो बाद दोवां दे विचाले झगड़ा होने लग्या ते मामला कोर्ट तक पहुंच गया। पुलिस वाले नूं इह कहिंदा मैं जेब च पा के रखदा पैसे, पुलिस वाले नूं इदां पैसे देने पैसे वाला बंदा है। मेरी सुनवाई नहीं हुंदी, राती पुलिस वाले आए मैनूं धमकियां दित्तियां कि असीं लेडीज पुलिस बुला के तुहानूं कुट के बाहर कढ़ांगे, इत्थे तुसीं धरना नहीं दे सकदे। ते उधर महिला दे पति ने अपनी दूजी पत्नी दे आरोपां नूं खारिज कर दित्ता है। उसका कहना है कि मामला कोर्ट च है पर वो महिला उसनु बदनाम करन दे लई अजहियां हरकतां कर रही है। तुसी इस तरह कर रहे हो जी, हले तो मेरा घर परिवार नहीं है कोई होर, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे भाई भैन नहीं है, उन्होंने भी केस पा दी, वह भी नहीं केस पाए, फिर भी केस पाते, केस पाए हुए ने, कोर्ट केस चल रहे हैं, कोर्ट ने खर्चा लाया है, साडा सैटलमेंट का चल रहा है मसला, असीं सैटल कर रहे हैं। महिला का कहना है कि बीती रात पुलिस आई थी, उसके पति के इशारों से महिला पुलिस के वालों उसनु कुटमार करवाने की धमकी दी गई, पर वो डरन वाली नहीं है, वो अड़ेगी जब तक उसनु इंसाफ नहीं मिलेगा, वो अपना धरना जारी रखेगी। पटियाला तो मनोज शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज 18 पंजाब। पूरे पंजाब च कड़ाके की ठंड पै रही है ते इस ठंड दे विच ए महिला अपने चार साल के मासूम बच्चे दे नाल दुकान के बाहर खुले आसमान के हेठां बैठी है। इस दे पिछे एक बैनर भी लग्या है जिस च लिखा होया है कि पति तो परेशान माँ ते बच्चे भुख हड़ताल से बैठे ने। महिला ने अपने पति ते जुल्म करन दे इल्जाम लाए ने। जो मैं कह रही हूँ मेरा बिजनेस दे दे तो वह भी नहीं देता। मेरा घर जिथे मैं रह रही थी इस टाइम वह घर उत्ते लोन से 60 लाख रुपया इन्हें घर किस्तां भरानियां बंद करती हैं। वह प्लज करने वास्ते घरे बैंक वाले आ गए है, नोटिस लगा गए, मेरे सिर तो छत चक्केगी, मेरा छोटा जिहा बच्चा है। इस महिला ते उसके पति का यह दूजा विआह है। महिला का कहना है कि वह अपनी पहली पत्नी के नाल रह रहा है, अजिहा करके उसने उसका विश्वास तोड़िया है, जिस तो बाद दोवां दे विचाले झगड़ा होने लग्या ते मामला कोर्ट तक पहुँच गया। पुलिस वाले नूं इह कहिंदा मैं जेब च पा के रखदा पैसे, पुलिस वाले नूं इदां पैसे देने पैसे वाला बंदा है। मेरी सुनवाई नहीं हुंदी, राती पुलिस वाले आए मैनूं धमकियां दित्तियां कि असीं लेडीज पुलिस बुला के तुहानूं कुट के बाहर कढ़ांगे, इत्थे तुसीं धरना नहीं दे सकदे। ते उधर महिला दे पति ने अपनी दूजी पत्नी दे आरोपां नूं खारिज कर दित्ता है। उसका कहना है कि मामला कोर्ट च है पर वह महिला उसनूं बदनाम करन दे लई अजिहियां हरकतां कर रही है। तुसी इस तरह कर रहे हो जी, हले तो मेरा घर परिवार नहीं है कोई होर, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे भाई भैन नहीं है, उन्होंने भी केस पा दी, वह भी नहीं केस पाए, फिर भी केस पाते, केस पाए हुए ने, कोर्ट केस चल रहे हैं, कोर्ट ने खर्चा लाया है, साडा सैटलमेंट का चल रहा है मसला, असीं सैटल कर रहे हैं। महिला का कहना है कि बीती रात पुलिस आई थी, उसके पति के इशारों से महिला पुलिस के वालों उसनु कुटमार करवाने की धमकी दी गई, पर वो डरन वाली नहीं है, वो अड़ेगी जब तक उसनु इंसाफ नहीं मिलेगा, वो अपना धरना जारी रखेगी। पटियाला तो मनोज शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज 18 पंजाब।